के परिवार में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा शिक्षण अनुदेशन और अधिगम का घनिष्ठ संबंध, यानी जो विशेषताएं मैं पढ़ा रही थी आपकी, शिक्षण की विशेषताएं किसके अंदर है ये टॉपिक हमारा, शिक्षण की विशेषताएं इसके अंदर हमारा टॉपिक है आज का शिक्षण अनुदेशन और अधिगम का घनिष्ठ संबंध, कि इनके अंदर कौन कौन से घनिष्ठ संबंध पाए जाते हैं। कहा जाता है कि शिक्षण के ये तीन पहलू ऐसे होते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगर हम कहें कि तीनों में बिल्कुल परस्पर संबंध होता है, अगर कोई एक पार्ट हमारी शिक्षण की प्रक्रिया से छूट जाता है तो हमें इस चीज का हमें अनुभव है कि वो शिक्षण प्रक्रिया ही हमारी गलत हो जाती है। तो अगर हमें शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाना है, आगे बढ़ाना है, निरंतर उसे प्रगति की ओर लेकर जाना है, तो तीनों का एक घनिष्ठ संबंध होता है। या हम कहें कि शिक्षण की प्रक्रिया को हम संचालित करते हैं तो इन तीन बिंदुओं का उसमें महत्वपूर्णता होती है और तीनों में एक घनिष्ठ से घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। जिस तरीके से हम कहें कि हम स्वयं की हमारी पहचान हमारे माता पिता से होती है, उसी तरीके से अगर हम देखें तो शिक्षण की पहचान इन तीनों का जो आपस में संबंध होता है घनिष्ठ, वो भी उनका संबंध उसी तरीके का होता है। तो बच्चों, हमारी जो शिक्षण की विशेषताएं चल रही थी उसमें मैं आपको शिक्षण अनुदेश और अधिगम का घनिष्ठ संबंध बताऊंगी कि इनके अंदर कौन कौन से घनिष्ठ संबंध होते हैं। हम ये कहें कि जो हमारा अभिनय इस संबंध से है कि इसके लिए जब हम ऐसा कार्य करें जो हमें अधिगम को संभव बनाता है। अधिगम का मतलब सीखना, यानी हम शिक्षण की प्रक्रिया में क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले हम सीखते हैं और सीखते किसके द्वारा है, अनुदेश, यानी कि जो हमारे निर्देशित करती है, जो हमें ज्ञान प्रदान करती है। अब हम देखते हैं कि अनुदेश में हमारे अनुदेशन में बहुत सारी हमारी सामग्री है। सर्वप्रथम हमारे अनुदेशन में हमारे सहायक हमारे शिक्षक होते हैं, यानी कि शिक्षण, यहाँ शिक्षण आ गया, यानी शिक्षण की प्रक्रिया को संचालित कौन करते हैं, शिक्षक। और शिक्षक जो विभिन्न सहायक सामग्रियां हमारे अनुदेशन में, यानी कि हमारे सहायक हमें हमारे निर्देश दिखाने में काम में लेते हैं और इनके द्वारा हम क्या करते हैं, सीखते हैं। अर्थात शिक्षण जो हम टीचिंग करते हैं, अनुदेशन जो शिक्षण के लिए हम जिन जिन चीजों का जो हमें जो मार्ग निर्देशित करते हैं वो, और उसके बाद में अधिगम, यानी कि इन दोनों के साथ हम अधिगम हम सीखते हैं इनके द्वारा। तो इनका एक घनिष्ठ संबंध होता है और हम ये चीज मानते हैं कि कोई भी इनका एक पहलू छूट जाता है तो हमारा शिक्षण प्रभावी होता है। हम ये कहें कि अधिगम क्या है, अधिगम वो होता है जो कि शिक्षक शिक्षार्थी के अंदर हमारे शिक्षण प्रक्रिया से वांछित परिवर्तन लाता है। क्योंकि आपको पता है कि शिक्षण की प्रक्रिया जब हम हमारे शिक्षक करते हैं तो उनका एक उद्देश्य होता है, उद्देश्य यह होता है कि जो उद्देश्य जो विषय वस्तु वो लेकर शिक्षार्थी के समक्ष गए हैं वो उन उद्देश्यों की उनसे पूर्ति चाहते हैं। तो ये वही चीज है बच्चों कि इन तीनों में बहुत गहरा संबंध होता है। ये एक तरीके से अगर शिक्षार्थी के लिए हम कहें कि अगर वो सीख नहीं पाते हैं अर्थात वो अधिगम नहीं कर पाते हैं तो हम इस चीज को मानते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे शिक्षण में अगर अधिगम की कमी होती है, बच्चे कुछ सीखते नहीं है, तो इससे हमारा जो शिक्षण है वो निरर्थक कहलाएगा। अर्थात शिक्षण वही प्रभावी होता है जिससे कि विद्यार्थी कुछ सीख सके, अपने जो व्यवहार है उसके अंदर वांछित परिवर्तन ला सके, ये हमारा शिक्षण है। अब बच्चों, यहाँ मैंने एक कोरिलेशन बनाया है इनके अंदर। हम ये मानते हैं, सबसे पहला ये चीज हम मानते हैं कि सबसे पहले आज के टाइम पे शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों पाठ्यक्रम पर आधारित होते हैं। क्योंकि आज की जो शिक्षा है इसके लिए हमने बताया था कि शिक्षा जहाँ हमारी त्रिध्रुवी
शिक्षक, यानी कि जो अनुदेश, क्योंकि इसी से संबंधित हमारे शिक्षक हमारे लिए अनुदेशन, जो हमारे मार्गदर्शन के रूप में हमारा काम करते हैं हमारे शिक्षक, तो वो क्या कर रहे हैं, हमारे लिए श्रम भी हमारे अनुदेशक बन रहे हैं और उससे संबंधित हमारे लिए विभिन्न हमारी सामग्री प्रयोग में ले रहे हैं। तो बच्चों ये क्या है हमारे, यानी कि ये रिलेशन है इनका जो घनिष्ठ संबंध है, इन तीनों का होने के बाद इसके ऊपर हमारा अनुदेश जो प्रक्रिया, अनुदेशन का मतलब मैंने समझाया था बच्चों पहले भी, जो हमें निर्देशित करते हैं, हमें मार्ग दिखाते हैं, वो हमारा अनुदेशन का काम है। तो ये चीज बताई गई है इसमें कि शिक्षक हमारे क्या करते हैं, हमारे अनुदेशन का हमारे सहायक होते हैं, निर्देशक होते हैं वो हमारे, और इनके लिए हमारे कौन कौन सी हमें सामग्री काम में लेते हैं वो ये काम करते हैं। अब बच्चों हम आगे देखें इसी के घनिष्ठ संबंध को, हम हमारी तुलना के माध्यम से भी हम इनको जानेंगे, क्योंकि जो हमारे हमारे शिक्षण होता है, शिक्षण और अधिगम हमेशा साथ साथ चलते हैं, ये दोनों शिक्षक जो हमारा शिक्षण है बच्चों, ये हमेशा दोनों साथ चलते हैं, क्योंकि ये क्रिया शिक्षक करवाते हैं और ग्रहण इसको कौन करते हैं, शिक्षार्थी, यानी कि दोनों चीजें पैरेलल चलती हैं ये, क्योंकि शिक्षक का उद्देश्य है शिक्षण करवाना, अपने उद्देश्य की पूर्ति करना, और वो उद्देश्य की पूर्ति किसको कर रहे हैं, अधिगम जो कर रहे हैं, और अधिगम कौन कर रहा है, विद्यार्थी, यानी कि ये दोनों पैरेलल साथ साथ अपने चलते हैं कि किस तरीके से वो, अब उनका आधार उनका पाठ्यक्रम होता है कि किस तरीके से उन्हें किन विषय वस्तु का चयन करते हुए उनसे उनके पाठ्यक्रम से संबंधित उन्हें वो विषय वस्तु का चयन करना होता है और फिर उनको उस चीज के बारे में ज्ञान देना है। तो उसमें बताया कि जो शिक्षण और अधिगम होता है वो दोनों प्रक्रिया साथ साथ चलती है। इसके लिए हम कहें कि शिक्षण अगर किसी व्यक्ति को शिक्षित करने का मुख्य साधन होता है तो हमारा क्या होता है, तालिका, जब हम ये देखें कि जो हमारा अधिगम है सिखाना, यानी कि हमारा अगर हमें किसी को सिर्फ इतना ही अधिगम करना है, उसे शिक्षित करना है, तो हम उस उद्देश्य को लेकर चलेंगे। तो इसीलिए बच्चों इसमें एक चीज सामान्य है कि शिक्षण और अधिगम दोनों साथ साथ चलते हैं, और अगर हमारे शिक्षण में कहीं कमी है तो ये निष्कर्ष हमारे अधिगम पर जरूर पड़ेगा, क्योंकि अगर हमारे शिक्षण में कमी है तो विद्यार्थी हमारे उन वांछित परिवर्तन, जो वांछित परिवर्तन शिक्षक चाहता है शिक्षार्थी में, वो परिवर्तन नहीं कर पाएगा। इसीलिए इनका आपस में बहुत घनिष्ठ संबंध है। अगर शिक्षण प्रभावी है तो हमारा अधिगम भी प्रभावी होगा, और हम जो उद्देश्य को लेकर चलेंगे डेफिनेटली हमारे को जो उद्देश्य शिक्षण के हैं उनको हम पूर्ति कर पाएंगे। इसीलिए इस चीज का ध्यान रखेंगे। ये मैं एक एक पॉइंट आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपकी जो नेट की परीक्षा आने वाली है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहे हैं। आगे है हमारे कि इनके बीच में क्या तुलना पाई जाती है, इनके अंदर क्या, अगर हम इनके अंदर तुलना करना तुलना करें, कंपेयर करें, तो वो कौन कौन से बिंदु पड़ते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं कि हमारा शिक्षण, शिक्षण क्या होता है, हमारी टीचिंग, जो शिक्षक हमें देते हैं, शिक्षक हमें जो शिक्षा के अंदर जो प्रक्रिया की जाती है, यानी हमें जो ज्ञान दिया जाता है, वो हम क्या करते हैं, हमने जो सीखा है, हमने जो समय जो शिक्षक ने ज्ञान दिया है उसे हम क्या करेंगे, हस्तांतरित करेंगे, यानी हमने सीखा है तो हम उसे आगे बढ़ाएंगे, अर्थात हम इस शिक्षण की प्रक्रिया को एक पीढ़ी से और दूसरी पीढ़ी पर हम इसे हस्तांतरित कर सकते हैं, यानी कि इसका हस्तांतरण होता है। और हम देखें अनुदेश में तो शिक्षक और छात्र के मध्य ये अंतःक्रिया होती है, ये बताया था मैंने कि अनुदेशन क्या है, दोनों के मध्य की क्रिया जो हमें मार्ग दिखाती है, हमें निर्देश देती है, हमें उन चीजों का चयन करना सिखाती है कि हमें इस शिक्षण के अंदर हमारी कौन कौन सी जो हमारी हमारी सहायक सामग्री है उनका हमें निर्देश देती है। तो कहते हैं शिक्षक और छात्र के मध्य, शिक्षक और छात्र के मध्य की परस्पर अंतःक्रिया ये होती है। इसके बिना शिक्षक और शिक्षार्थी को जोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। इन दोनों को जोड़ने के लिए हमें अनुदेशन करना होता है, क्योंकि अनुदेशन जब तक शिक्षक शिक्षार्थी को मार्ग नहीं दिखाएंगे, उस चीज को हासिल करने का तरीका नहीं बताएंगे, तब तक बच्चे उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे। तो शिक्षक और छात्र को दोनों को जोड़ने का कार्य हमारा अनुदेशन होता है। फिर आता है इसमें अधिगम, कि अधिगम क्या करते हैं, तो हम ये जाने कि
शिक्षक लेके गए हैं उसका ज्ञान शिक्षार्थी को पूर्ण हो जाता है, यानी जिस चीज का उसे ज्ञान नहीं होता है उस ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। फिर आता है शिक्षण में अनुदेश निहित होता है। मैंने बताया था आपको कि शिक्षण की प्रक्रिया जो हमारे शिक्षक होते हैं वो सम्यक अनुदेशन होते हैं, इसीलिए इसमें कहा गया कि शिक्षण में अनुदेश निहित होता है। लेकिन शिक्षण का महत्वपूर्ण घटक है ये अनुदेशन, इसमें अधिगम निहित नहीं होता है, यानी कि हम सीखते यहाँ से हैं, क्योंकि ये तो हमें सिर्फ निर्देश दे रहा है कि हमें करना क्या है, किस तरीके से हम उसकी प्राप्ति कर सकते हैं, कौन कौन हमारे अनुदेशन में सहायक है, हमें इस चीज का ज्ञान करवाता है। इसके लिए कहते हैं कि शिक्षण का ये बहुत महत्वपूर्ण घटक होता है, इसके बिना हम शिक्षण नहीं करवा सकते। लेकिन ये अधिगम में निहित नहीं होता, यानी कि अधिगम में हम कब सीखते हैं, जब इस अनुदेशन को हम शिक्षण में काम में लेते हैं, यानी कि शिक्षक उन सभी चीजों को काम में लेते हैं जो उनको मार्ग दिखाती है या उनके लिए उपयोगी होती है। अब हम अधिगम के लिए कहेंगे कि इसके लिए शिक्षण में अनुदेश दोनों क्या होते हैं, सहायक होते हैं। जो शिक्षण करवाया और अनुदेशन जो इन्होंने किस तरीके से सीखा उसका परिवर्तन कहाँ होगा, अधिगम में, यही होता है अधिगम में। अधिगम के अंदर शिक्षण का प्रभाव दिखाई देता है, तो इसके लिए कहते हैं कि अधिगम के अंदर शिक्षण और अनुदेश दोनों उसके एक सहायक के रूप में काम करते हैं कि किस तरीके से उन्होंने कार्य किया और उसके बाद में उसका परिवर्तन उसके सहायक दिखते हैं कि इसके अंदर क्या परिवर्तन आया। इसके लिए अब हम कहें कि शिक्षण को कहा जाता है कि ये हमारे ज्ञानात्मक और क्रियात्मक दोनों पहलुओं का विकास करता है, अर्थात हमें ज्ञान भी देता है और हमें उसके ऊपर क्रिया करना भी सिखाता है, क्योंकि शिक्षक हमें ज्ञान भी देते हैं, ज्ञान के साथ साथ वो हमें प्रैक्टिकल हमें क्रिया करना भी सिखाते हैं कि किस तरीके से हमें उस पर कार्य करना है, तो ये हमारे दोनों पहलुओं का विकास करता है। लेकिन जो हमारा अनुदेशन होता है, अनुदेशन के लिए कहते हैं कि ये ओनली हमें हमारा ज्ञानात्मक पक्ष ज्ञानात्मक पहलू पर ही ज्यादा जोर देता है, क्योंकि यहाँ ये सिखाया जाता है कि हम किस चीज को उसमें उपयोग में लें, तो यहाँ हमें क्रिया करना हमें शिक्षण की प्रक्रिया में शिक्षक सिखाते हैं, ये हमें ओनली ज्ञान देते हैं कि आपको इन चीजों का या इसको अनुदेशन के रूप में कार्य करना है, तो ये हमारे ज्ञानात्मक पक्ष को मजबूत करते हैं। और अधिगम के लिए हम कहें तो अधिगम शिक्षण और अनुदेश के लिए प्रभाव का परिणाम है, क्योंकि इन दोनों का प्रभाव हमारे अधिगम पर दिखाई देता है कि हमने जो सीखा है यहाँ हमने हमारे ज्ञानात्मक और क्रियात्मक दोनों पहलू ग्रहण किए, यहाँ हमने ज्ञान का पक्ष ग्रहण किया और इन दोनों से जो हमारे परिणाम निकल के आते हैं, क्योंकि अधिगम में हमेशा सीखा हुआ आता है, हमारा यह मूल्यांकन होता है, क्योंकि शिक्षक जब शिक्षार्थी को पूर्ण ज्ञान दे चुके होते हैं, अधिगम करवा चुके होते हैं, तो वो अपना प्रभाव उनसे देखना चाहते हैं, अब वो चाहे उनके किसी भी रूप में चाहे उनसे प्रश्न पूछकर या उनसे उनको उनका कार्य दिखाकर या उनकी परीक्षा लेकर वो किसी तरीके से भी वो अपने प्रभाव का परिणाम देखते हैं, यानी कि यहाँ पर हमने सीखा क्रियात्मक और ज्ञानात्मक, यहाँ हमने ज्ञान लिया लेकिन यहाँ हमारा सीखी हुई चीज का हमारा परिणाम आता है कि हमने कहाँ और कितना सीखा है। तो बच्चों ये जो हमारा पाठ है शिक्षा का अनुदेश और अधिगम का घनिष्ठ संबंध, ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से हमें ये कार्य आगे पूरा होता है हमारे शिक्षण की, हमारे शिक्षण में क्या विशेषताएं होती है, तो आप इस टॉपिक को ध्यान से देखें, क्योंकि विशेषताएं हमारी ज्यादा बड़ी है, इसीलिए मैं प्रत्येक पाठ में एक एक विशेषताओं का या किसी में मैंने दो विशेषताओं का आपको वर्णन किया है, ज्यादा लंबी होने के कारण मैंने इनका आगे वर्णन नहीं किया, लेकिन जो प्रत्येक पॉइंट आपकी विशेषताओं के बता रहे बच्चे वो बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपकी जो भी आपकी जिस शिक्षण की नेट की परीक्षा उसमें भी काम आएगा और हो सकता है फर्स्ट ईयर में भी आपसे इन प्रश्नों को पूछे जा सके। तो ये जो हमारे शिक्षण अनुदेशन और अधिगम का घनिष्ठ संबंध है, हमारे शिक्षण की विशेषता, इसको बच्चों